नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों, काफी सारे लोग दुबई से इंडिया, इंडिया से दुबई आने जाने के लिए फ्लाइटें ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें कंप्लीट वीडियो देखिए, इसमें आपको सभी जानकारी सभी शेड्यूल के बारे में पता चल जाएगा। पहले तो आपको बता दें कि गो एयर भी अपनी जो फ्लाइटें हैं वो यूएई के लिए ऑपरेट कर रही है। इंडिया से यूएई के लिए 14 अगस्त से फ्लाइटें शुरू कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें विस्तारा भी अपने डायरेक्ट फ्लाइट दुबई के लिए ऑफर कर रही है एयर बबल एग्रीमेंट के तहत। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहां पर स्पाइस जेट ने भी 5 इंडियन सिटीज से लिए सिटीज से दुबई के लिए उड़ाने शुरू करी हैं, जिनमें कि दिल्ली, जयपुर, कोझिकोड़े, मदुरई और मुंबई शामिल है। ये फ्लाइटें 31 अगस्त 2020 तक ऑपरेट की जा रही हैं। आपको बता दें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो पैसेंजर्स को एक वीजा होना चाहिए, उनके पास कोई सा भी वीजा चलेगा, और अगर वो यूएई नेशनल है तो और अच्छी बात है। साथ ही आपको बता दें आपको जितना भी हेल्थ डिक्लेरेशन है वो करना पड़ेगा। साथ ही आपको स्पाइसजेट की वेबसाइट पर जाकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा डिपार्चर और अराइवल से पहले। साथ ही आपको जो 94 घंटे के अंदर की एक रिपोर्ट है, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, वो अपने साथ रखनी पड़ेगी 96 घंटे की, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लाइट के शेड्यूल की बात करें तो दिल्ली से अगर आपको दुबई जाना है तो 17, 19, 23, 25, 26, 31 और 31 अगस्त को फ्लाइट मिल जाएगी। वहीं जयपुर से दुबई अगर आप जाना चाहते हैं तो 20, 23, 27 और 30 अगस्त को फ्लाइट मिल जाएगी। कोझिकोड़े से दुबई अगर आप जाना चाहते हैं तो 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31 अगस्त को फ्लाइट मिल जाएगी। वहीं मदुरई से दुबई अगर आप जाना चाहते हैं तो 17 और 19 अगस्त को फ्लाइटें जा रही हैं। वहीं अगर मुंबई से दुबई अगर आप जाना चाहते हैं तो 18, 20, 25, 27 अगस्त को फ्लाइट आपको मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों, अगर आप दुबई से इंडिया आने की सोच रहे हैं तो दुबई से इंडिया आने के लिए आपको दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट मिल जाएगी 17, 19, 23, 25, 26, 31 अगस्त को, और वहीं दुबई से जयपुर के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट की जा रही है जो कि 20, 23, 27 और 30 अगस्त को आएंगी। दुबई से कोझिकोड़े आना चाहते हैं तो 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31 अगस्त को फ्लाइट मिल जाएगी। दुबई से मदुरई आना चाहते हैं तो 17 और 19 अगस्त को आ सकते हैं। वहीं दुबई से मुंबई आने के लिए 18, 20, 25, 27 अगस्त को आपको फ्लाइट मिल जाएगी। आपको बता दें सभी फ्लाइटों की जो बुकिंग है वो की जा रही है। और साथ ही एक और बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर अबू धाबी से भी 18 इंडियन डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही हैं जो कि 16 से 31 अगस्त तक ऑपरेट की जा रही हैं। इनकी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी ओपन कर दी गई है और ये फ्लाइटें इंडिगो और गो एयर द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आप इनकी यात्रा करके आ सकते हैं। आपको बता दें अगर किराए की तरफ नजर डालेंगे तो विस्तारा जो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट ऑफर कर रही है एयर बबल के एग्रीमेंट के तहत, वो फ्लाइट करीब करीब जो फेयर है स्टार्टिंग का वो है 17,747 रुपए, और इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो दोस्तों, ये है अभी तक की कंप्लीट अपडेट यूएई से आने के लिए। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त विनायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।